Good morning class. This is our new NFSU class in which today we will summarize the whole cardiovascular system and the physiology of heart. This chapter we will summarize in two classes. First of all, we will study about the cardiovascular system, then we will discuss about the physiology of heart. क्योंकि वैसे तो मैंने आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पूरा करवा दिया था. लास्ट क्लास में मैंने बोला भी था कि ये मेरी लास्ट क्लास है सिस्टम की, पर अब एक बार थोड़ा सा इसको समराइज कर लेते हैं और अच्छे से आपको समझ में आ जाए ताकि कोई डाउट ना रहे. थोड़ा अलग स्टाइल में पढ़ लेते हैं इसको. तो ये सारे जो है हम एक साथ पढ़ेंगे अपनी इस पूरी क्लास के अंदर. तो सबसे पहले कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या करता है. हार्ट जो है हमारी बॉडी में वैस्कुलर सिस्टम से जुड़ा हुआ रहता है ताकि वो ब्लड को पूरी बॉडी में पंप कर सके. क्योंकि वैस्कुलर सिस्टम से ही पंप करता ना, इसलिए हम इस सिस्टम को कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहते हैं. कार्डियो वर्ड अपने हार्ट के लिए लिया है, वैस्कुलर क्योंकि वैस्कुलर सिस्टम से जुड़ा होता है ताकि पूरी बॉडी को ब्लड पंप कर सके. ये एक क्लोज्ड सिस्टम है जिसको बनाया गया है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पूरी बॉडी की सेल्स तक, और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड और मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करने के लिए. इन दो कामों के लिए इसको डिज़ाइन किया हुआ है. कंपोनेंट्स CVS में ऑब्वियस दो ही हैं, हार्ट और ब्लड वेसल्स. हार्ट जो है वो पंप है एक, जो कि चार चैम्बर से बना होता है जिसमें दो एट्रिया होते हैं, दो वेंट्रिकल्स होते हैं. हार्ट एक ड्राइविंग फोर्स प्रोवाइड करता है पूरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को ताकि आराम से ब्लड जो है वो पंप हो सके. और जो ब्लड वेसल्स हैं वो ट्यूब्स का पूरा सिस्टम है जिसमें आर्टरीज आती हैं, आर्ट्रियोल्स आती हैं, जो कि हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके पूरे बॉडी के सभी पार्ट्स को पहुंचाती हैं. आर्टरीज जो है वो ऑर्गन्स का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, या ऑर्गन्स के लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है. क्योंकि ये क्या कर रहा है, ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है. आर्टरीज डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं पूरी बॉडी तक ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल्स है. वेन्यूज और वेन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को टिश्यू से वापस हार्ट तक लेकर के आती हैं. तो वेन्स जो है वो ब्लड रिजर्वॉयर की तरह एक्ट करती हैं और ब्लड को वापस हार्ट तक लेकर के आती हैं, कलेक्ट करके हार्ट तक लेकर के आती है. आर्टरीज हार्ट से टिश्यू तक लेकर गई थी और वेन्स टिश्यू से हार्ट तक लेकर के आई हैं. तीसरा इसका कंपोनेंट है ब्लड कैपिलरीज, जो कि फाइन वेसल्स का एक नेटवर्क होता है, आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स से जुड़ा होता है. ब्लड कैपिलरीज वो साइट है जहाँ पर O2 और CO2 जैसी गैसेस एक्सचेंज होती हैं, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सचेंज होते हैं ब्लड और टिश्यूज के बीच में. अब CVS किसका बना होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ CVS. कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एक्चुअली दो मेजर सर्कुलेटरी सिस्टम का बना होता है. राइट साइड ऑफ हार्ट जो है वो ब्लड को, राइट साइड ऑफ हार्ट ब्लड को लंग्स तक पंप करता है पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, और पल्मोनरी कैपिलरीज वापस से उस ब्लड को लेफ्ट एट्रियम तक लेकर के आती है पल्मोनरी वेन्स के द्वारा. पहले तो राइट साइड ऑफ हार्ट जो है वो लंग्स तक पल्मोनरी आर्टरी द्वारा ब्लड को लेकर के जा रहा है, और फिर जो लेफ्ट साइड का पार्ट है उसमें ब्लड कैपिलरीज और से जो है पल्मोनरी कैपिलरी से जो ब्लड है वो रिटर्न होता है लेफ्ट एट्रियम तक पल्मोनरी वेन के द्वारा. हार्ट का लेफ्ट साइड जो है वो ब्लड को पंप करता है, रेस्ट ऑफ द बॉडी को देता है एओर्टा, आर्टरीज, आर्टरियल सिस्टमिक कैपिलरीज के द्वारा, और वापस जो है ये ब्लड रिटर्न होता है राइट एट्रियम तक वेन्यूज और ग्रेट वेन्स के द्वारा. ठीक है, इस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ब्लड जो है वो दो सर्कुलेशन के थ्रू एक सीरीज में पास होता है. एक फुल सर्कुलेशन
वन फुल सर्कुलेशन कंसिस्ट ऑफ दीज टू सर्कुलेशन टूगेदर। तो हमने कहा भाई दो सर्कुलेशन की सीरीज से ब्लड जो है वो पास होता है इस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, और एक फुल सर्कुलेशन में दो सर्कुलेशन एक साथ काम कर रहे होते हैं। ये दोनों सर्कुलेशन स्टार्ट और एंड होते हैं हार्ट पे, हार्ट से शुरू होंगे, हार्ट पे ही ख़त्म होंगे। और ये दो सर्कुलेशन कौन से हैं, एक सिस्टमिक सर्कुलेशन, दूसरा पल्मोनरी सर्कुलेशन। मैं ये आपको रिवीजन किस लिए करवा रही हूँ, क्योंकि इस स्टाइल में मैंने पहले नहीं पढ़ाया था, तो मैं ये वाले चीज़ एक साथ आपको बता दूँ तो आई थिंक आपको थोड़ा सा अच्छा क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैंने ये वाली क्लास दोबारा लिया। अदरवाइज़ हमारा CVS कंप्लीट हो चुका था, पर मैं दोबारा इसलिए ले रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, कोई डाउट ना रहे। तो हमने कहा कि एक फुल सर्कुलेशन दो सर्कुलेशन से एक साथ मिलकर के बना होता है, ये दो सर्कुलेशन हार्ट से शुरू होकर हार्ट पे ख़त्म होते हैं। पहला सर्कुलेशन सिस्टमिक सर्कुलेशन, जिसको अपन ग्रेटर या हाई प्रेशर सर्कुलेशन भी कहते हैं। दूसरा है पल्मोनरी सर्कुलेशन, जिसको अपन लेसर या लो प्रेशर सर्कुलेशन भी कहते हैं। सिस्टमिक सर्कुलेशन कैसे चलता है, ये हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू, लेफ्ट वेंट्रिकल में शुरू होता है, देन एओर्टा में जाता है, एओर्टा से सिस्टमिक आर्टरीज, देन सिस्टमिक कैपिलरीज, कैपिलरी से होता हुआ ये सिस्टमिक वेन्स में जाएगा, वहां से सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा को सप्लाई करता हुआ ये राइट एट्रियम पर ख़त्म हो जाता है। क्योंकि हमने कहा ना भाई हार्ट से शुरू होता है, हार्ट पे ख़त्म होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू हुआ हार्ट के और राइट एट्रियम में ख़त्म हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में शुरू हुआ, राइट एट्रियम में ख़त्म हो गया सिस्टमिक सर्कुलेशन। दूसरा जो है वो है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो कि राइट वेंट्रिकल में शुरू होएगा, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा, देन पल्मोनरी आर्टरीज में, देन पल्मोनरी कैपिलरीज, फिर पल्मोनरी वेन से होता हुआ ये लेफ्ट एट्रियम में जाकर के ख़त्म हो जाता है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन राइट वेंट्रिकल में शुरू होकर लेफ्ट एट्रियम में ख़त्म हो रहा है, जबकि सिस्टमिक सर्कुलेशन लेफ्ट वेंट्रिकल में शुरू होकर के राइट एट्रियम में ख़त्म हो रहा है। तो ये दो तरह के सर्कुलेशन मिलकर के हार्ट में एक फुल सर्कुलेशन बनाते हैं। ये दो सर्कुलेशंस एक सीरीज में चलते हैं, तो ब्लड जो है एक सर्कुलेशन में फिनिश होता है ताकि दूसरा सर्कुलेशन शुरू हो सके, और इससे जो है पूरा ब्लड का वॉल्यूम कैरी आउट होता है, अपने रेस्पिरेटरी फंक्शन को करता है ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा दक्षता के साथ में रेस्पिरेटरी फंक्शन को करता है मोर एफिशिएंटली, एज ब्लड गोज वंस थ्रू द सिस्टमिक कैपिलरीज एंड वंस थ्रू द पल्मोनरी कैपिलरीज। भाई एक बार तो ये ब्लड सिस्टमिक कैपिलरीज में जाएगा और एक बार पल्मोनरी कैपिलरीज में जाएगा, क्योंकि पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन दो सर्कुलेशन चल रहे हैं, इसलिए जो ब्लड वेंट्रिकल्स है वो ब्लड का सेम वॉल्यूम पंप करता है एक सिग्निफिकेंट, किसी भी सिग्निफिकेंट टाइम इंटरवल में, क्योंकि ये सीरीज जो है वो अरेंज रहता है सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन के रूप में, इसलिए वो पूरा अच्छे सिग्निफिकेंटली ब्लड का वॉल्यूम जो होता है सेम ब्लड का वॉल्यूम पंप होता है दोनों वेंट्रिकल्स से। तो अभी जो हमने इतनी बड़े सारी गाथाएं गाई हैं वो इस पूरे डायग्राम में समझाई गई है, अच्छे से देख लीजिए। लेफ्ट जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है उसके अंदर हार्ट लंग्स तक जो है वो सप्लाई कर रहा है ब्लड की, तो ये हार्ट में सारी स्ट्रक्चर्स दिखाई गई हैं भाई, एओर्टा, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स, लेफ्ट एट्रियम, एओर्टा सेमीलियर वॉल्व, ये नीचे स्ट्रक्चर तो अपन छोड़ दें, उस साइड राइट पल्मोनरी आर्टरी, सुपीरियर वेना कैवा, पल्मोनरी सेमीलियर वॉल्व वगैरह, राइट पल्मोनरी वेन्स, राइट पल्मोनरी वेन्स जो है वो ट्राइकस्पिड, इसके पास में वॉल्व दिखाए गए हैं, जबकि उस साइड बाइकस्पिड वॉल्व और एओर्टिक सेमीलियर वॉल्व थे। नीचे राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये इन्फीरियर वेना कैवा नीचे की तरफ, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बताया गया है और मायोकार्डियम लेयर वगैरह बताई गई है। और देखो दिखाया गया है कितना अच्छे से डायग्राम से, लेफ्ट एरो जो है वो लंग्स तक जा रहा है, जबकि राइट जो है लंग्स से हार्ट तक लेकर के आ रहा है। अब राइट वाले डायग्राम को देख लेते हैं भाई, इन्फीरियर वेना कैवा और सुपीरियर वेना कैवा राइट एट्रियम को सप्लाई करे, राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल्व में जा रहा है ब्लड, फिर ब्लड राइट कस्पिड वॉल्व में नहीं जा रहा, राइट कस्पिड वॉल्व से होता हुआ राइट वेंट्रिकल में जा रहा है, राइट एट्रियम से
निकल करके वॉल्व से होता हुआ राइट वेंट्रिकल में, देन पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व से होता हुआ पल्मोनरी आर्टरीज में, आर्टरी से लंग्स में, लंग से पल्मोनरी वेन्स, राइट और लेफ्ट दोनों वेन्स, वहाँ से लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व से लेफ्ट वेंट्रिकल, देन एओर्टिक सेमी ल्यूनर वॉल्व, देन एओर्टा के अंदर एओर्टा से होता हुआ आर्टरीज, आर्टरीज से होता हुआ कैपिलरीज, कैपिलरीज से होता हुआ वेन्स और वेन्स से होता हुआ इन्फीरियर वेना कैवा में वापस ब्लड चला जाएगा। तो ये पूरा का पूरा सर्क्यूलेशन है भाई। एग्जाम में अगर आपके ये क्वेश्चन आता है, ये तो डबल सर्कुलेशन क्वेश्चन आता है ना, तो ये पूरा आपको समझाना है। ये पहले वाला डायग्राम, ये फ्लो चार्ट भी पूरा आपको अच्छे से बताना है, ये पॉइंट सारे बताने हैं, देन ये डायग्राम्स, दोनों डायग्राम्स आपको बनाने हैं। और अगर आपसे लेफ्ट डायग्राम नहीं बनाता राइट, तो फ्लो चार्ट बनाना ही बनाना है, पर कोशिश करिए आप ये दोनों डायग्राम्स बनाएं तो अच्छे से आप इस सब्जेक्ट में मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि वैसे भी एनाफिजियो बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, काफ़ी बैक लगने के इसमें चांसेस रहते हैं, और ये मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती कि आपका रिज़ल्ट किसी भी वजह से ख़राब हो। फिर इस बार तो आपको बहुत अच्छे से चांस मिला है कोरोना के अंदर, तो अच्छे से पढ़ाई करिए, बढ़िया से पढ़ाई करिए और अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आइए। ये वापस है हमारा एक खूबसूरत सा फ्लो चार्ट, जिसमें ब्रेन भी बताया गया है कि कंट्रोल कर रहा है हमारे हार्ट को, कोरोनरी आर्टरीज जो कि राइट हार्ट लेफ्ट हार्ट दोनों पार्ट से जुड़ी हुई है, बीच में लंग्स को कनेक्ट कर रही है। तो राइट हार्ट से लंग्स में ब्लड जा रहा है, लंग्स से लेफ्ट हार्ट में, लेफ्ट हार्ट से ये एब्डोमेन वगैरह को सप्लाई कर रहा होता है, ब्रेन को सप्लाई कर रहा होता है, आगे जाता हुआ ये मसल को सप्लाई कर रहा है, देन किडनी को सप्लाई कर रहा है। कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही है भैया आपकी, सारी पिंक से बनाए हुए हैं ना आर्टरीज को इंडिकेट कर रही है ये चीज़, किडनी को, देन स्किन को, देन अदर जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको सप्लाई कर रही है। और इन्हीं सभी बॉडी पार्ट्स से जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि अभी तक जो ब्लड आ रहा था वो ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड था, न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन कंटेनिंग, उन्होंने इन्हीं सभी बॉडी पार्ट्स को, ऑर्गन्स को, सिस्टम्स को उसने सप्लाई किया। देन इन्हीं सभी सिस्टम्स, ऑर्गन्स और पार्ट्स, टिश्यू, सेल से ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मेटाबॉलिक वेस्ट को लेता हुआ, CO2 को लेता हुआ, वो वापस निकल रहा है, वेन्स में जा रहा है और हमारे, और ब्रेन से भी वेन्स में आ रहा है ब्लड और वो जा रहा है राइट साइड ऑफ हार्ट के अंदर। तो इस तरह से हमारा पूरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट करता हुआ, उसको ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है और वहाँ से CO2 और मेटाबॉलिक वेस्ट को कलेक्ट करता है। वापस से दिस इज़ वन अनदर डायग्राम। मैं इस पूरी क्लास में डायग्राम्स के ही थ्रू बता रही हूँ, इसीलिए मैंने इसको जो है समराइज्ड, मैंने बोला है कि आज की और नेक्स्ट अपनी क्लास जो है वो समरी क्लास रहेगी, क्योंकि ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, डायग्राम्स के थ्रू हम इसको समराइज्ड कर रहे हैं। तो ये हार्ट और ब्रेन्स, सॉरी हार्ट नहीं, आई एम सॉरी माय फॉल्ट, हेड और ब्रेन में कैपिलरीज बताई गई हैं, आर्टरी से इसको सप्लाई हो रहा है ऑक्सीजनेटेड न्यूट्रिएंट कंटेनिंग ब्लड, और देन वेन से डीऑक्सीजनेटेड मेटाबॉलिक वेस्ट वाला ब्लड आ रहा है। हमारे आर्म्स में इसी तरह से ये चीज़ें जा रही हैं, सारा ब्लड सेंटर में हार्ट बताया गया है, यह हार्ट जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है लंग से, लंग से लेकर के वो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जा रहा है। बॉडी के पार्ट्स में कैसे, ऊपर की साइड हमारे जहाँ हार्ट है वहाँ से ऊपर की साइड में ये एक तो हेड और ब्रेन को सप्लाई कर रहा है और एक हमारी आर्म्स को सप्लाई कर रहा है असेंडिंग आर्टरीज के द्वारा। देन ये एओर्टा लेकर के गई है इन सब चीज़ों को, लेफ्ट वेंट्रिकल वगैरह से जा रहा है ये और एओर्टा लेकर के गई है। देन ये एब्डोमेन एओर्टा में ये ब्लड पंप होता है, एब्डोमेन एओर्टा से ये जाएगा हमारे ट्रंक में, ट्रंक की कैपिलरीज में जा रहा है, हिपैटिक आर्टरीज से ये लीवर में जा रहा होता है, हिपैटिक आर्टरीज, हिपैटिक उस साइड वेन भी बाद में बताई गई है खैर, और इसके अलावा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर जा रहा है, रीनल आर्टरीज में जा रहा है, पैल्विक लेग्स और पैल्विक्स में और लेग्स वाले पार्ट में डिसेंडिंग आर्टरीज के थ्रू ये जा रहा है और वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी हो रहा है वॉल्व्स वगैरह से होता हुआ, पैल्विक और लेग्स के वॉल्व से होता हुआ, रीनल वेन से होता हुआ, लिवर में हिपैटिक पोर्टल वेन से होता हुआ, डाइजेस्टिव ट्रैक का भी ब्लड जो है हिपैटिक पोर्टल वेन से होता हुआ और लिवर में भी हिपैटिक वेन वगैरह से कैरी हो रहा है ब्लड, ट्रंक वाले पार्ट में भी कैरी होता हुआ ब्लड जा रहा है और इन्फीरियर वेना कैवा से होता हुआ हमारे वीनस
कैवी के अंदर जाता हुआ ये राइट वेंट्रिकल से होता हुआ हमारे हार्ट में जा रहा है, हार्ट से फिर हमारे पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाएगा, और ऊपर वाले पार्ट में ये हेड ब्रेन के वेन से, आर्म्स वगैरह की वेन से, सुपीरियर वेना कैवा से होता हुआ भी हमारे हार्ट तक जा रहा है। तो बड़ा खूबसूरत सा डायग्राम है, चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए खुद से आप इसको धीरे धीरे ध्यान से पढ़िए, रोक लीजिएगा वीडियो को और अच्छे से इस पूरे डायग्राम को देख करके समझने की कोशिश करिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार क्लियर बता दूं, आप जितना ज़्यादा हो सके अपने आंसर को डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश किया करें, एग्ज़ाम में ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। वैसे भी अपनी इंग्लिश काफ़ी माशाल्लाह है, तो लिखने की कोशिश ना करें, अपने इंग्लिश के मार्क्स ना कटवाएं, अपनी हैंडराइटिंग के मार्क्स ना कटवाएं, आप डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करें, आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे, डायग्राम मार्क्स स्कोरिंग होते हैं। अब बस ठीक है, ये बताया गया कि अगर हम ये देखें कि हमारे हार्ट की इंजीनियरिंग कैसी है, क्योंकि बड़ा अच्छा है ये सिस्टम है इंजीनियर का, तो ये एक सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है जिसमें हाई रेजिस्टेंस सर्किट चल रहा होता है, लो बहुत ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट होता है आर्टरीज और वेंस के बीच में। हार्ट हमारे पंप के एनालॉगस होता है, बस ये हाइड्रोलिक पाइपिंग सिस्टम और ये पंप का एनालॉग ही होता है। बट ब्लड इज़ नॉट अ प्योर न्यूट्रिएंट फ्लूइड, ये न्यूट्रिएंट फ्लूइड नहीं है भाई, न्यूटन के लॉ के ऊपर नहीं चल रहा होता। जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है हमारे हार्ट के लेफ्ट साइड्स में वो काफ़ी लार्ज और स्ट्रांग होती है राइट हार्ट के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए भेजने के लिए, ज़्यादा प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है इसलिए। अब हमारे बेसिक फंक्शंस क्या हैं हार्ट के अलग अलग पार्ट्स के, या CVS के वेरियस पार्ट्स के बेसिक फंक्शंस क्या हैं? तो हार्ट का जो लेफ़्ट साइड होता है वो हाई प्रेशर साइड होता है, ये प्रेशर पंप की तरह एक्ट करता है जो कि ब्लड को पंप करता है सिस्टमिक आर्टरीज में, तो इसमें एक सफिशिएंट प्रेशर चाहिए जो कि ब्लड को टिश्यूज तक लेकर के जाएगा। जबकि राइट साइड ऑफ हार्ट में लो प्रेशर साइड कहलाता है ये, क्योंकि ब्लड को पंप करता है पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर, जो कि रिलेटिवली लो प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है ब्लड को लंग्स तक भेजने के लिए। तो ये तो हार्ट के दो पॉइंट्स लेफ्ट साइड और राइट साइड का। ब्लड वेसल्स में जो आर्टरीज होती हैं उसमें एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरीज इलास्टिक आर्टरीज होती हैं, और ये दैट इज़ दे हैव द प्रॉपर्टीज टू स्ट्रेच एंड रिकॉइल, क्योंकि ये कैसी हैं इलास्टिक आर्टरीज है इसलिए अच्छे इस तरह से स्ट्रेच हो सकती हैं और रिकॉइल हो सकती है। स्ट्रेच मतलब इसमें डिस्टेंशन होता है, कंप्लायंस हो सकता है और वापस से रिकॉइल हो जाएगी, चौड़ी होकर के वापस नैरो हो जाएंगी। और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान यानी एक सिस्टॉल के दौरान ये इतनी डिस्टेंड होती है, डिस्टेंड बाय द ब्लड इजेक्टेड इन टू दैम, ये डिस्टेंड हो रही है क्योंकि उसके अंदर ब्लड जो है वो आ रहा है, इजेक्ट हो रहा है, और एनर्जी इज एट लोड इन देयर वॉल्स, और उस चीज़ में एनर्जी भी चाहिए ताकि वो उसकी वॉल्स के अंदर लोड कर सके ब्लड को, है ना। अब ये तो सिस्टॉल की बात हमने करी थी, अब डायस्टॉल की बात करें। सिस्टॉल को अपन क्या करें, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, और डायस्टॉल को हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। तो वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन के दौरान ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है उससे इसकी इलास्टिक रिकॉइल हो जाती है, इसकी वॉल्स जो इलास्टिकली रिकॉइल हो जाएगी, और ये भी डायस्टॉल के दौरान ब्लड के लिए ब्लड को एडिशनली पंप करता है। डायस्टॉल के दौरान एडिशनली ब्लड इसी से पंप हो रहा है क्योंकि वॉल्स जो हैं वो इलास्टिकली रिकॉइल हो रही हैं। तो ये एक एफिशिएंट प्रेशर है जो कि मेंटेन्ड रहता है सिस्टॉल और डायस्टॉल के दौरान, जिससे कि हमारे टिश्यूज़ के द्वारा कंटिन्यूस जो ब्लड है वो फ्लो होता रहता है, ब्लड का फ्लो इसी वजह से। ये प्रेशर लग रहा है इसके वॉल के ऊपर इलास्टिक रिकॉइलिंग का, और हमारा ब्लड जो है कंटिन्यू पास होता रहेगा। अगर ये इलास्टिसिटी इसकी ख़त्म हो जाए तो ब्लड का फ्लो होना इस तरह से कंटिन्यू चल नहीं पाता, और ये एक डिजीज़ कंडीशन है। अब आर्टरियोल्स ये रेजिस्टेंस वेसल होती हैं दैट एक्ट एज अ वेरिएबल रेजिस्टर्स, क्योंकि ये रेजिस्टेंस वेसल है इसलिए रेजिस्टर की तरह काम कर रही होती है, वेरिएबल रेजिस्टर की तरह, क्योंकि इनका डायमीटर्स कंटिन्यूस जो है वो अंडरगो चेंजेस, उसके डायमीटर में चेंज होता रहता है ताकि ब्लड फ्लो का जो अमाउंट है वो रेगुलेट होता रहे कैपिलरीज़ के अंदर। इसलिए आर्टरियोल्स को हम टैप्स मानते हैं जो कि ब्लड फ्लो को टिश्यूज़ तक रेगुलेट कर रहा होता है, टिश्यूज़ तक ब्लड फ्लो होता रहता है, रेगुलेट होता रहता है। तो ये एक तरह की टैप है, टैप मतलब नल, नल बोलते हैं टैप को अपन, टैप वाटर।
वेन्स जो होती है वो कैपेसिटेंस वेसल की तरह वर्क कर रही हैं, आर्टरीज तो रेजिस्टेंस वेसल की तरह कर रही थी, कैपेसिटेंस वेसल यानी वॉल्यूम रिजर्वॉयर की तरह, स्टार्टिंग में भी ये वर्ड आया था रिजर्वॉयर का, जो कि होल्ड करती है अधिकतर ब्लड वॉल्यूम को। वेन्स में हाई डिस्टेंडिंग कैपेसिटी होती है यानी हाई कंप्लायंस होता है, ये स्टोर और मोबिलाइज कर सकती है ब्लड को उसकी अंडरलाइंग कंडीशन पे डिपेंड करते हुए कि भाई किस तरह की कंडीशन है, प्रेशर वाली कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन है, कैसी कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग ये काम कर रही होती है। अब CVS का जनरल फंक्शन क्या है, नॉर्मल फंक्शन CVS का है कि ये हमारी बॉडी में होम्योस्टासिस को मेंटेन करता है। होम्योस्टासिस मतलब कांस्टेंट ऑप्टिमल इंटरनल एनवायरनमेंट, हमारी बॉडी का जो अंदरूनी वातावरण है उसको ऑप्टिमम लेवल तक मेंटेन कर रहा होता है। इसलिए इन स्पाइट ऑफ कंटिन्यूस मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द टिश्यू सेल्स, होम्योस्टासिस मेंटेन बाय कंटिन्यूस एडिक्वेट ब्लड फ्लो टू द टिश्यूज, टिश्यूज तक एडिक्वेट अमाउंट में कंटिन्यूस ब्लड फ्लो होता रहे, ये मेंटेन किया जाता है, जिससे उसको अपन होम्योस्टासिस कहते हैं। तो इस होम्योस्टासिस को हमारा CVS रेगुलेट करता है। तो ये ना केवल टिश्यू सेल तक मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंटिन्यू रखता है बल्कि ये होम्योस्टासिस को भी मेंटेन रखता है। ये लो कंप्लायंस बताया गया है हार्ट वेन्स कैपेसिटी वेसल्स के थ्रू, कैपिलरीज के थ्रू इसको मेंटेन कर रहा है। ये डायस्टॉल और ये सिस्टॉल के बारे में बताया गया, 80 mmHg और 120 mmHg नॉर्मल ब्लड प्रेशर है ना, ये आपका सिस्टॉल डायस्टॉल जब एकदम नॉर्मल चल रहा होता है तो ये सिस्टॉलिक और डायस्टॉलिक प्रेशर है 80 और 120 mmHg। इसमें 10 तक का अंतर आ रहा हो तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर उससे ज़्यादा डिफरेंस देखा जाता तो वो हाई बीपी और लो बीपी को इंडिकेट करता है। इन दोनों वैल्यू से ज़्यादा कम हो जाए ब्लड प्रेशर तो वो लो बीपी और ज़्यादा हो जाए तो हाई बीपी। अब फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी देखिए हार्ट की, हार्ट एक ग्रेट सेंट्रल पंप है हमारा CVS का, जिसमें जो कि थोरेसिक कैविटी के लेफ्ट साइड में पाया जाता है, थोड़ा बहुत स्टर्नम के पीछे, राइट और लेफ्ट लंग के बीच में। ये फाइब्रस सैक को कवर किए रहता है जिसको अपन पेरिकार्डियम फाइब्रस सैक से कवर हुआ रहता है, एक फाइब्रस थैला इसको कवर किए रहता है जिसको अपन पेरिकार्डियम कहते हैं। हार्ट की जनरल स्ट्रक्चर्स में हार्ट एक होलो मस्क्यूलर ऑर्गन है जिसकी दीवारें मसल से बनी होती हैं, क्योंकि मस्क्यूलर ऑर्गन है तो ऑब्वियसली दीवारें मसल से बनी होगी, जिसको अपन कार्डिक मसल या मायोकार्डियम कहते हैं। बाहर की कवरिंग फाइब्रस सैक पेरिकार्डियम, अंदर की मस्क्यूलर लेयर मायोकार्डियम, ये स्ट्रक्चर आपके हार्ट का। वेंट्रिकल्स हार्ट का बल्क पार्ट कवर किए रहती है, ऑक्यूपाई कर रखती है, जबकि आर्टरीज और वेन्स जो हैं वो हार्ट के बेस से जुड़ी हुई रहती हैं। तो सिंपल डायग्राम है ये, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम जो आई होप अब तक आपको याद हो जाना चाहिए था, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कार्डियक। तो यहाँ से अपन थोड़ा सा लेफ्ट साइड से क्लॉकवाइज चले, एओर्टा ऊपर से गोल बड़ी सी मोटी सी है ना, सेमी सर्कुलर एओर्टा, उसके नीचे पल्मोनरी सेमिलर वॉल्व बताए गए हैं जो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी से जुड़े हुए हैं, फिर उसके नीचे लेफ्ट पल्मोनरी वेन दिखाई गई हैं, उसके नीचे का जो स्ट्रक्चर है वो लेफ्ट AV का कस्प दिखाया गया जिसको अपन बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, नीचे कॉर्डी टेंडिनी है इससे जुड़ी हुई, इसे कनेक्ट होती हुई, उसके नीचे पल्मरी मसल्स हैं पैपिलरी मसल्स हैं, देन ये लेफ्ट वेंट्रिकल बताया गया है जो पूरा ये पार्ट कवर कर रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल, डिसेंडिंग एओर्टा जो नीचे से एओर्टा ऊपर एओर्टा बताई गई और नीचे से डिसेंड होती हुई डिसेंडिंग एओर्टा, ये राइट वेंट्रिकल है जिसके पास में इन्फीरियर वेना कैवा है, ऊपर सुपीरियर वेना कैवा में खुल रही है ये, यहाँ पर कस्पिड ऑफ राइट AV यानी ट्राई कस्पिड वॉल्व, यहाँ राइट एट्रियम दिखाए गए, राइट पल्मोनरी आर्टरीज बताई गई हैं, ऊपर सुपीरियर वेना कैवा तो हम बोल ही चुके हैं। अब कार्डिक चैम्बर्स और उनके फंक्शंस देख लेते हैं। ह्यूमन हार्ट हमने बोला बार बार ये चार चैम्बर से बना है जिसमें दो एट्रिया हैं, एट्रिया भी राइट और लेफ्ट होते हैं जिन जो सेपरेट हुए रहते हैं एक दूसरे से इंटर आर्टरियल सेप्टम के द्वारा, नीचे की तरफ दो वेंट्रिकल्स राइट और लेफ्ट जो कि सेपरेट हुए रहते हैं एक दूसरे से इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के द्वारा, ऊपर इंटर आर्टरियल सेप्टम, नीचे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल्व जो होती है लगभग 3 गुना ज़्यादा मोटी होती है राइट वेंट्रिकल की वॉल्व से। वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम
यानी जो वॉल है वो ज़्यादा थिक है और स्ट्रॉन्ग होती है एट्रियल मायोकार्डियम या उसकी वॉल से। एट्रियल मसल दोनों साइड की, बोथ एट्रिया की, कम्प्लीटली सेपरेटेड रहती है वेंट्रिकुलर मसल से, यानी दोनों वेंट्रिकल से एक फाइब्रस रिंग के द्वारा, जिसको अपन एवी रिंग या एट्रियो वेंट्रिकुलर रिंग कहते हैं। दो एट्रिया जो हैं, ये जो एट्रिया हैं, इनके दो मेन फंक्शंस हैं। पहला, ब्लड रिजर्वॉयर की तरह ये एक्ट करता है, जो ब्लड हार्ट से हार्ट में वापस जा रहा है उस ब्लड के लिए, ब्लड रिजर्वॉयर की तरह ये एट्रिया काम करता है। जो ब्लड वापस हार्ट तक जाएगा उसको थोड़े समय के लिए रिजर्व करता है, यानी रिजर्वॉयर की तरह कर रहा है। और इसके अलावा ये पंप की तरह भी एट्रिया वर्क करता है, प्राइमर पंप है ये। एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट होता है, लगभग पुश करता है 25% ब्लड और जो वेंटिकल्स को भर देता है वेंटिकल डायस्टॉल के दौरान, और लगभग 75% जो ब्लड है दैट वेंटिकल्स ड्यूरिंग देयर डायस्टॉल, जो अपने डायस्टॉल के द्वारा पास होता है, वो पैसिवली पास होता है बट इट्स ओन वेट, खुद के वेट के बेसिस पर। दूसरी तरफ हम देखें तो वेंट्रिकल्स जो होता है वो पावरफुल कार्डियक पंप होता है और आर्टरीज को ब्लड से भर देता है। राइट वेंट्रिकल जिस जो कि पल्मोनरी पंप्स की तरह वर्क कर रहा है, वो पुश करता है ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो सिस्टमिक पंप की तरह वर्क करता है, ये पुश करता है ब्लड को एओर्टा में वेंट्रिकुलर सिस्टॉल के दौरान। बस इतना काफ़ी है, हार्ट के बारे में पूरा बता दिया इसने, अच्छे से समझा दिया है, तो आज के लिए इतना काफ़ी। जो रिमेनिंग पार्ट है अपनी समरी का वो अपन अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आई होप, मुझे लगता है मैंने काफ़ी इजी वे में इस पूरे चीज़ को समझाया है, ऐसा मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट रह रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बार बार ये बात कह रही हूँ, आप अपने डाउट्स मुझसे पूछिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू क्लास।